हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज हम एमसीक्यू सीरीज़ में एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 56 देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोका इज़ नॉट करेक्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि अशोका मौर्यन डायनेस्टी के तीसरे किंग थे। मौर्यन डायनेस्टी जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फाउंड किया गया, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन थे बिंदुसार, और बिंदुसार के शासन अशोक थे। अशोक के टाइम में मौर्यन एम्पायर जो था वो सबसे अधिक फार एंड वाइड फैला हुआ था। तो ये कह रहा है कि इसके संबंध में, अशोका के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट है, अशोका आफ्टर कलिंगा वॉर डिक्लेयर डैट ही विल मेक नो वॉर इन फ्यूचर। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अशोक ने जो देखा कि युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, और उस युद्ध की विभीषिका को देख करके अशोका को लगा नहीं, युद्ध फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। बहुत सारे लोग, लाख ऑफ पीपल मारे गए उसमें, उससे ज़्यादा लोग घायल हुए। तो उसमें से बहुत सारे मासूम जिनका युद्ध से कोई मतलब नहीं था वो भी मारे गए, तो उन्होंने ये सोचा कि अब युद्ध नहीं करना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, हिज धम्मा वाज ए यूनिवर्सल कोड ऑफ सोशल एंड मॉरल कंडक्ट। तो उनका जो धम्मा था, पाली में धर्म को धम्मा कहा जाता है, तो जो उनका धम्मा था तो वो ये नहीं था कि आप प्रॉपर रिलीजन को मानेंगे, रिचुअल्स को मानेंगे। वो एक यूनिवर्सल कोड ऑफ सोशल एंड मॉरल कंडक्ट था कि आप एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा रखेंगे। इनफैक्ट एनिमल बीइंग्स के साथ भी आप प्रेम और आदर का भाव शो करेंगे। इनफैक्ट देखोगे कि अशोका के रसोई में मोर और हिरण के मांस बनाए जाते थे, लेकिन इसके बाद उसने ये सारी चीज़ें भी बंद करा दी। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, ही डोनेटेड रॉक कट केव्स टू आजीविका मॉन्क्स। तो देखो, मॉन्क्स जो होते थे वो अपना घर बार छोड़ करके बाहर रहते थे, तो उनको रहने के लिए, कि जैसे वर्षा के टाइम में देखोगे आप, बुध वगैरह भी चौमासा होता था, कि जब वर्षा में 4 महीने तक वो एक स्थान पे रुकते थे, तो उनके लिए शेल्टर चाहिए। अब वो किसी के घर में रह नहीं सकते हैं, तो उनको रहने के लिए, आजीविका के लिए इन्होंने रॉक कट केव्स प्रोवाइड कराया। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, हिज पीस पॉलिसी वॉज ए मेजर फैक्टर इन द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। हाँ ठीक है, कि जो मौर्यन एम्पायर था उसके डिक्लाइन का वन ऑफ द रीजन ये नहीं था। ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है, लेकिन मेजर रीजन ये नहीं था। ये बहुत स्लाइटली इसने प्रभावित किया, लेकिन मेन रीजन क्या था, वीक सक्सेसर। देखो, अशोका के तक, अशोक के बाद जो किंग हुए यानी उनके सक्सेसर हुए, इनफैक्ट देखो कि अशोका के बाद उसके किंगडम को डिवाइड कर दिया गया कुणाल और दशरथ के बीच, तो उसके जो सक्सेसर हुए वो उतने पावरफुल नहीं हुए। फर्स्ट, उसके बाद दूसरा, वास्टनेस ऑफ एम्पायर, उतने बड़े एम्पायर आज की जैसा नहीं है ना कि आप प्लेन और ट्रेन और सारी चीज़ों से सेना को तुरंत भेज दोगे, तो दैट वॉज डिफिकल्ट टू मैनेज। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोविंसेस, नेक्स्ट फॉरेन इन्वेजन एंड इंटरनल रिवोल्ट, ये सारे रीजन्स थे उनके डिसइंटीग्रेशन के। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। हाँ सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। वेस्ट बंगाल फर्स्ट रैंक पे है, सेकेंड रैंक पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड रैंक पे आंध्र प्रदेश है, फोर्थ रैंक पे पंजाब, एंड फिफ्थ रैंक पे तमिलनाडु। फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। सेकेंड, तुला पांची राइस एंड गोविंद भोग राइस ऑफ वेस्ट बंगाल हैव ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। ये भी स्टेटमेंट सही है। देखो, जिस भी एरिया का किसी भी प्रोडक्ट को विशेष, आइदर वो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह है तो विशेष एरोमा या टेस्ट के कारण उसे प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे जो आपका तुला पांजी और गोविंद भोग राइस है, तो ये इसको विशेष प्रकार के सुगंध के लिए, एरोमा के लिए इसे प्रोवाइड किया गया। तो यदि जिस भी चीज़ को प्रोवाइड किया जाता है उसका उस एरिया में डिमांड बढ़ जाता है, और उस स्पेसिफिक एरिया के लिए उसे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इसका स्टेटमेंट दोनों सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महलवारी सिस्टम। देखो, रैयतवारी, महलवारी और जमींदारी, ये तीनों जो थे वो सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट के प्रकार थे। ठीक है, तो सेटलमेंट वॉज टू बी मेड विद द विलेज कम्युनिटी एंड तालुकदार्स वेयर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। तो देखो, यहाँ तक ये स्टेटमेंट सही है, सेटलमेंट्स वॉज टू बी मेड विद द विलेज कम्युनिटी, ये सही है। एंड तालुकदार, तालुकदार ये होते थे जो कलेक्ट करते थे, उसका रिकॉर्ड रखते थे, तो तालुकदार फेयर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, ये गलत है। कम्प्लीटली नहीं, मेजोरिटी जो है एलिमिनेट हो गए, लेकिन कुछ कुछ वो रहे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड,
इट हैड प्रोविजन टू एसर्टेन एंड रिकॉर्ड द रेंट टू बी पेड बाय द कल्टिवेटिंग पीजेंट्स। हाँ, उसमें जैसे कितना रेंट पे किया जाना है वो सारी चीज़ों का, और किसने कितना पे किया, ये सारे का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना था। तो ये बी इसका सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस इज नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में कौन सा कंसिडर नहीं किया। तो उसमें थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि पर कैपिटा जो इनकम है डॉलर के टर्म में वो। नॉलेज यानी एजुकेशन, एजुकेशन में टू, एक एडल्ट एजुकेशन और एक एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ मीन ईयर ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो ये हो जाता। जेंडर इक्वलिटी नहीं है, और लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि ए बी और डी उसके कंपोनेंट है, तो सी नहीं है, इस वजह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि यू आर मिसिंग सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव। देखो, कोई भी चीज़ का अनलिमिटेड जो हमारे इकोनॉमी में है, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। यदि अनलिमिटेड होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। उस स्कार्स रिसोर्सेस से भी हमको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसी कारण हमें कुछ मिस करना पड़ता है। जैसे इमेजिन करो, आपके पास अनलिमिटेड पैसे होते तो आप एक ही टाइम में सब चीज़ खरीद सकते थे, मार्केट जा रहे हो, जो मर्जी है वो खरीद सकते हो। लेकिन आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है तो आप कुछ ज़रूरत है वही खरीदोगे, तो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी ऑफ अल्टरनेट नेटिव चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन वेरियस ऑप्शंस, यानी कि डिफरेंट ऑप्शंस में आप कुछ ही, जैसे जस्ट इमेजिन करो कि आप आपको खाना खाना है, तो आप या तो चिकन खा रहे हो, या मटन खा रहे हो, या फिश खा रहे हो, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कोई एक ही चीज़ को सेलेक्ट करोगे। अनलिमिटेड होते तो आप फिश भी मंगा लेते, चिकन भी मंगा लेते, पनीर भी मंगवा लेते, और वट एवर थिंग यू वॉन्टेड। तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए, अंटार्कटिक क्रील्स आर ड्रिफ्टिंग साउथ एज आइसी वाटर वॉर्म्स। हाँ, जो आपका जो आइस है, जो अंटार्कटिक और आर्कटिक में आइस है, तो ये अंटार्कटिक के बारे में बोल रहा है, तो अंटार्कटिक का आइस मेल्ट हो रहा है, तो जो मेल्ट नॉर्थ से होता जा रहा है तो वो साउथ की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं। जो ये क्रील्स है, ये एक टाइप का वो मछली जैसा है, ठीक है। तो ये जो इसका जो IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न है, और ये एक बड़े झुंड में रहते हैं जिसे स्वाम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये साउथ की ओर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट तो ये सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द क्लाइमेट इज बिकमिंग अनहेल्दी फॉर देम टू रिप्रोड्यूस। हाँ, ये भी ये सही है, और इसी कारण से ये जो है शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन जो है इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो इनकी जनसंख्या संख्या जो है वो कम होते जा रही है, इस वजह से शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो देखो, स्टेटमेंट ए एंड आर दोनों सही है, और जो रीजन है वो इसका आपका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ये बी हो जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट आर करेक्टली एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट ए, सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो ये जो है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है, इसमें 128 कंट्री का कंपाइलेशन किया जाता है। देखो, इसमें क्या है कि आज के डेट में एनर्जी, पहले देखो कि आप फॉसिल फ्यूल्स हम अधिक सबसे अधिक यूज करते थे, तो ग्रेजुअली है हम फॉसिल फ्यूल से हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पर शिफ्ट होते जा रहे हैं, ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड हमें पर्यावरण को जो प्रदूषण हो रहा है उससे उसे बचाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया इज नॉट अ पार्ट। देखो, काकाडू, काकाडू में पार्ट लेता है, काकाडू जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। फॉर लीगल, इसमें इंडिया पार्ट नहीं लेता, क्योंकि ये जो है साउथ कोरिया और US के बीच होता है, तो ये इसमें नहीं। इकुबेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच में है। खंजर जो है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में है, तो 1, 2 और 4 में पार्टिसिपेट करता है, तो 2 में नहीं करता है। नेक्स्ट है, द पेंटर मोलाराम वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग।
देखो बीच बीच में कभी कभी पेंटिंग्स पूछ देता है, तो एनसीईआरटी वगैरह का जो वो आर्ट एंड कल्चर का है आप उसको देख लोगे। तो ये जो मोलाराम थे वो आपका गढ़वाल पेंटिंग से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ए वेब पोर्टल नेम्ड मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम रिसेंटली? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा। ये एक तरह से टॉप क्रॉप यानी कि टमाटो, अनियन एंड पोटैटो के प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड उसके अवेलेबिलिटी। देखोगे ये तीनों जो प्रोडक्ट हैं, खास करके अनियन और पोटैटो, ये तो मस्ट हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है, खास करके जो गरीब तबके के हैं, तो पोटैटो उनको सबसे ज़्यादा चाहिए, या अनियन वगैरह ही। देखो बहुत बार क्या है, रोटी बना लिए, नहीं कुछ है तो उसको अनियन के साथ ही खा लिए। तो जो टमाटर, प्याज और आलू टॉप क्रॉप जो है, उसको अवेलेबिलिटी और उनके प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए ये लॉन्च किया गया है। ये आपके 10 क्वेश्चंस के आंसर की दिए हुए हैं, और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए नाइस डे।